एक बहुत ही साधारण सी हाउसवाइफ का किरदार निभा रही हूँ। ये सरफेस पे बहुत साधारण लगती है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट फ्यूज़ है इसका। एक ही सेंटेंस में प्यार से बात करती है, फिर चिल्लाती है और फिर आंसू भी आ जाते हैं। सो दिस बहुत मर्क्यूरियल है, अप डाउन उसके इमोशंस रहते हैं। और अभय अपने पति, जो अभय का किरदार है वो उसके पति हैं, उन पे बहुत रोब झाड़ती है और कुछ हद तक उसकी वजह से वो बेचारा जोरू का गुलाम बन गया है। अभय एक दोस्त है, उनके साथ काम करना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं उनके साथ, तो नेचुरली वो कंफर्ट शायद स्क्रीन पर भी नज़र आएगा। राइमा के साथ मेरे कोई ख़ास सीन्स तो नहीं थे, इनफैक्ट कोई भी सीन्स नहीं थे, लेकिन जब हमने इस फिल्म की वर्कशॉप्स की तो हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और राइमा मेरे हिसाब से इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक है। मनोरमा 6 feet under, 6 feet under essentially means someone's dead and buried, और मनोरमा इज द टाइटल, सो मनोरमा इज डेड एंड दिस फिल्म इज रियली अबाउट सॉल्विंग द क्राइम। मनोरमा की हत्या कैसे हुई, किसने मारा, क्या था, मतलब मनोरमा की, मनोरमा एक मिस्ट्री है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है ये वॉन्ट टू बी डिटेक्टिव अभय देओल। मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है ये भीगे पल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्सपेक्टेशंस मैं घर पे छोड़कर आई हूँ क्योंकि फिल्म पे काम ख़त्म हो चुका है, बहुत मेहनत की है हम सब लोगों ने, लेकिन अब ऑडियंस इसे एक्सेप्ट करेगी ये आशा है, लेकिन इससे ज़्यादा क्या होगा मैं सोचना नहीं चाहती। देखिए नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ कि मैं पूरी मेहनत से काम करना चाहती हूँ जब मैं फिल्म पे काम करती हूँ, और उसके बाद फिल्म का क्या होता है इट्स टू मेरे हाथों में नहीं है। अगर तो मेरे हाथों में होता देन आई बी वॉरिड अबाउट इट। इट्स लाइक इट्स नॉट एन एग्जाम वेयर जितनी आप प्रिपरेशन करें उतने आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आई मीन इट्स वेरी डिफरेंट, सिनेमा इज़ आर्ट, सो सब्जेक्टिविटी तो रहती ही है, बट आई डोंट, मैं इन सबसे दूर रहती हूँ। देखिए मैं मानती हूँ कि इस फिल्म की रीच बहुत ही वाइड है और मुझे लगता है लोगों को पसंद आएगी। हमने ये फिल्म सर्दी में शूट की, जनवरी के महीने में जब बहुत सर्दी थी। इनफैक्ट देर रात जब हम लोग नाइट शूट किया करते थे तो टेम्परेचर कभी कभी 0 से 1-2 degrees नीचे हुआ करता था और कड़ाके की सर्दी थी और हम लोग सिर्फ कॉटन कपड़ों में थे, तो हम लोगों की जान निकल रही थी बस। एक्चुअली कमबैक तो उनका हो चुका है परजानिया में, बट आई थिंक सारिका एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं और उनका एक्सपीरियंस और उनकी जो कला है वो आई मीन इट्स इनक्रेडिबल टू वॉच हर परफॉर्म, टू वॉच हर गिव अ शॉट, इज सच अ लर्निंग एक्सपीरियंस। इसके बाद अभी आप मनोरमा देखिए, इसके बाद क्या होगा देखते रहिए। हम रोज़ खींचते थे एक्चुअली। राइमा और मेरी अच्छी दोस्ती हो गई इस फिल्म के दौरान, और क्योंकि हम दोनों लड़कियां हैं और अभय सिर्फ एक लड़के थे तो उनके पीछे काफ़ी बुरी तरह हम लोग हाथ धो के पड़ जाते थे। ओके डन, थैंक यू।